भारतीय जनता पार्टी ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र और कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। इन 16 उम्मीदवारों में से 6 उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राज्य में गोरखपुर शहरी सीट छोड़ने वाले भाजपा के पूर्व विधायक राधामोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों में शामिल हैं। भाजपा ने राज्यसभा से पार्टी के प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्यसभा के मौजूदा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने राज्य से 2 महिलाओं दर्शना सिंह और संगीता यादव को भी चुनाव मैदान में उतारा है। दर्शना पार्टी की महिला शाखा की पूर्व प्रमुख हैं, जबकि संगीता गोरखपुर के चौरी चौरा से पार्टी की पूर्व विधायक हैं। पार्टी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार से 2-2 और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा से 1-1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए रविवार को 10 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और अजय माकन के साथ ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। पी चिदम्बरम को तमिलनाडु, रमेश को कर्नाटक, माकन को हरियाणा और सुरजेवाला को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से, विवेक तन्खा को मध्य प्रदेश, राजीव शुक्ला और रणजीत रंजन को छत्तीसगढ़, इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। अगले 2 महीनों में राज्यसभा में 55 सीट रिक्त हो रही है। 7 कांग्रेस सदस्य चिदम्बरम, रमेश, अंबिका सोनी, विवेक तन्खा, प्रदीप टम्टा, कपिल सिब्बल और छाया वर्मा अपने कार्यकाल पूरे करेंगे। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में 1,34,00,000 रुपए से अधिक लागत की कई रेल, सड़क और हवाई संपर्क परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम 2011 किलोमीटर लंबी और 74,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 20 रेलवे परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यहां विकास और परस्पर निर्भरता में स्वाभाविक सहयोगी विषय पर एक संगोष्ठी में उन्होंने ये जोर देके कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर भारी निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा केंद्र सरकार क्षेत्र में कुल 58,000 करोड़ रुपए की लागत से 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के तीसरे दिन रविवार सुबह उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से नवीन शहरी स्वास्थ्य संस्था भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भोपाल में लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विकसित देशों के मुकाबले भारत की बड़ी जनसंख्या और अन्य चुनौतियों के बावजूद हम कोविड महामारी पर नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है। यदि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्नत चिकित्सा केंद्र खुलेंगे तो देश के लोगों को लाभ तो होगा ही, साथ ही मेडिकल टूरिज्म के बढ़ने से विदेशी मुद्रा का लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में इलाज बहुत सस्ता है, विदेश से भी यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं, इसलिए भारत को कभी कभी मेडिकल टूरिज्म हब भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट से तुलना करते हुए कहा कि देश के लिए गर्व का विषय है कि इस माह की 5 तारीख को भारत में 100 यूनिकॉर्न का आंकड़ा झूलिया है। यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका वार्षिक टर्नओवर 7,500 करोड़ रुपए से अधिक होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की सामर्थ्य के प्रति एक नया विश्वास जगाती है। लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बल्लेबाज के शतक को सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में शतक लगाया है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की जो संख्या है वो 100 के आंकड़े पर पहुंच गई है।
मन की बात के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिन बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास सकारात्मक अभियान चलाना चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। उन्होंने श्रद्धालुओं से तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान देने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण दिवस के मद्देनजर लोगों से स्वच्छता के साथ वृक्षारोपण का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। शुचिता, साफ सफाई और एक पवित्र वातावरण बनाए रखने का हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें स्वच्छता के संकल्प को याद रखना चाहिए। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में रविवार को मलेशिया को 3-3 से ड्रॉ पर रोक दिया। मुकाबला ड्रॉ होने के बाद भारत के पास फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं। भारतीय टीम ने मुकाबले में 0-2 से पीछे रहने के बाद जोरदार वापसी की है और मलेशिया को ड्रॉ पर रोक दिया। भारत ने इससे पहले सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया था। सुपर 4 में भारत को अब मंगलवार को साउथ कोरिया के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलना है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया ये गया है कि अज्ञात हमलावरों ने अचानक से सिद्धू मूसेवाला पर AK-47 से करीब 30 राउंड फायरिंग की, जिससे मूसेवाला की मौत हो गई। मूसेवाला पर यह हमला पंजाब सरकार की ओर से सुरक्षा हटाए जाने के एक दिन बाद हुआ। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराडेली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में घुसने के कुछ देर बाद ही एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया, जिस पर 7 मैग्नेटिक बम और इतने ही UBGL ग्रेनेड थे। इस सामग्री में 7 चुंबकीय बम और इतने ही बैरल ग्रेनेड लॉन्चर ग्रेनेड मिले हैं। घटना दक्षिण कश्मीर हिमालय में पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले हुई है। इस यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बुधवार को राज्य के वकीलों और आशीष मिश्रा ने मामले में जवाबी हमला हलफनामा दाखिल किया था। इसके बाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आशीष मिश्रा के वकील को 2 दिन का प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और सुनवाई की अगली तारीख आज तक के लिए टाल दी थी। नरेंद्र मोदी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा देश भर में एक व्यापक अभियान चलाएगी। इसमें गरीबों का कल्याण और सुशासन को लेकर पार्टी की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इस अभियान में केंद्र और राज्य भाजपा शासित राज्यों के सभी मंत्री और पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। यह अभियान 30 मई से 14 जून तक चलेगा। जनसंपर्क अभियान का विषय रहेगा सुशासन और गरीबों का कल्याण। योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रही है और मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम सभी तीर्थ एक बार फिर से नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन स्थितियों में हम सबको एक बार फिर से आगे बढ़ना होगा। तमिलनाडु सरकार ने अफ्रीकी देशों सहित विभिन्न देशों से आए लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें मंकी पॉक्स जैसे लक्षण महसूस हों तो वो इसकी जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को दें। स्वास्थ्य विभाग के सचिव जे राधाकृष्णन ने रविवार को ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र COVID-19 मामलों का पता लगाने और इनकी रोकथाम में पूरी तरह से सक्षम है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ बिना अनुमति के रैली निकालने की वजह से FIR दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार राणा दंपति ने शनिवार को अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ किया था पर रैली निकालने के लिए उनको अनुमति नहीं मिली थी।
दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल तट पर दस्तक दे दी है। निर्धारित समय से 3 दिन पहले केरल में मानसून पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहले आईएमडी ने एक पखवाड़े पहले बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात आसनी की मदद से 27 मई को केरल में बारिश की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी। माना जा रहा है कि अब मानसून सही गति से आगे बढ़ेगा और देश के विभिन्न राज्यों में बारिश का दौर शुरू होगा। इससे पहले विभिन्न राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इससे लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। राजधानी दिल्ली में भी रविवार सुबह कई जगह बारिश हुई। और आइए अब राज्यवार सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। नेपाल में लापता हुए यात्री विमान को लेकर सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले खराब मौसम की वजह से इस सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। आपको बता दें कि 9 NAET विमान ने रविवार की सुबह पोखरा से जोमसोंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर कंट्रोल सिस्टम से उसका संपर्क टूट गया और वो लापता हो गया। इस विमान में 4 भारतीयों सहित करीब 22 लोग सवार थे, जिनकी अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार को देश के संविधान में 21वें संशोधन की वकालत की। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों को सीमित करने के साथ शासन में संसद की भूमिका को बढ़ाएगा। श्रीलंका इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। वर्तमान में चल रहे संविधान सुधार कार्यक्रम पर एक टेलीविजन पर प्रसारित एक विशेष बयान में विक्रमसिंघे ने कहा कि 21वां संशोधन अभूतपूर्व वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कई मायनों में मदद पहुंचाएगा। मौद्रिक शक्तियों के प्रयोग से संसद को यह अधिकार देने के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है। ब्राजील के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लगभग 79 लोगों की मौत हो गई और करीब 5,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। स्थानीय नागरिक सुरक्षा के मुताबिक पूर्वोत्तर पेर्नबुको प्रांत की राजधानी रिसीफे सिटी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां बारिश से 79 लोगों की मौत हो गई और करीब 1,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं अलागोस प्रांत में बारिश में 2 लोगों की मौत हो गई और 4,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। रविवार को दोनों देशों के बीच चलने वाली बंधन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा मैत्री एक्सप्रेस भी कोलकाता और ढाका के बीच अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। ये ट्रेन आज कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी की यात्रा करेगी। मंकी पॉक्स का प्रकोप करीब 20 देशों में देखा गया। ये बीमारी इटली, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों तक पहुंच चुकी है। इस बीच मैक्सिकन स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि की, जो राजधानी में पाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़कर 200 हो गए हैं और 20 देशों में ये मामले सामने आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के करीब 100 दिन बीत चुके हैं और इसी बीच डेनमार्क ने यूक्रेन को एंटी शिप हार्पून मिसाइल की आपूर्ति शुरू कर दी है। यूक्रेन की सेना में इन मिसाइलों के शामिल होने से काला सागर में यूक्रेन की सैनिक ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि ये हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। एक हार्पून मिसाइल 221 किलोमीटर वॉरहेड के साथ दुश्मन की युद्धपोत को निशाना बनाने में सक्षम है। रूस ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का बेरेंट्स सागर में सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल ने सफेद सागर में 1000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को सटीकता से नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की गति 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर है, यानी कि 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है ये मिसाइल। इससे पहले रूस ने पिछले साल भी इस मिसाइल की जंगी जहाजों और पनडुब्बियों में सफल परीक्षण किया था। दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में एक चर्च में मची भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। दरअसल चर्च की ओर से शॉप फॉर फ्री चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। अचानक मचे भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ।